भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर पुण्यात्माओं, हमारे कई प्रकार के पाप कर्म हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो परमात्मा गुरुदेव के दर्शन से कटेंगे, कुछ ऐसे पाप हैं जो आशीर्वाद से दूर होंगे, कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो धर्म दान करने से ही आपको राहत मिलेगी, कुछ ऐसे पाप होते हैं जो हाथ से सेवा करने से ही आपको राहत मिलेगी, और कुछ इस प्रकार के आपके पाप कर्म हैं जो परमात्मा की भक्ति मंत्र जंत्र ये जो दिए जाते हैं सतनाम और प्रथम मंत्र, इनसे ही कटेंगे। तो ये सारा कुछ मिलाकर एक ट्रीटमेंट है आत्मा को स्वस्थ करने का और सतलोक में जाने का और यहाँ भी भौतिक लाभ प्राप्त करने का। तो ये सारा कंप्लीट कोर्स करने से ही आपको पूर्ण लाभ प्राप्ति होगी। तो उन्होंने पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया कि जितने भी यहाँ रोगी, बूढ़े, वृद्ध, बहन भाई, माता भाई, पिता जो बुजुर्ग आते हैं, उनके बर्तन साफ करते हैं उनकी, क्योंकि परमात्मा के दरबार में दुखी ही ज़्यादा जाते थे। कोई रोगी था, कोई कोड्डी था, और कोई किसी बीमारी से ग्रस्त था, कोई भूतों का सताया, कोई देवताओं पितरों का सताया हुआ वहाँ जाते थे। तो वो क्या करते थे, बर्तन ले जाते थे, बेले, थाली, गिलास। उस टाइम कांसी के अर्धे कांसी धातु थी, और कांसी धातु का गिलास होते, बेला होते, थाली, वो अवश्य डूब जाता है, पानी पर तैरता ही नहीं। तो उसमें ऐसा साधन था कि पहले बर्तनों को या कपड़े धोने होते तो पानी में भिगोया करते घंटा दो घंटा, उनका वो मैल गल जाता, फिर साफ कराया करते रेती तरह कपड़ों को, ऐसे बर्तनों को रेत रात से। तो क्या करते थे, गंगा यानी दरिया के किनारे बैठ जाते थे, उन बर्तनों को भिगो के, कपड़े होते कपड़ों को, और एक घंटा आध घंटा एक वृक्ष के नीचे बैठ कर भगवान की चर्चा करते थे। और भी बैठ जाते भक्त और सत्संग में सुने हुए वचनों पर डिस्कशन किया करते थे कि हमारे साथ ऐसा दुख था, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, हम स्वस्थ हो गए। और भी आपस में चर्चा करते थे, हमें भी ऐसे कष्ट था, यहाँ आते हमें ये राहत मिली, ऐसा ऐसा सुख हुआ, परमात्मा आए हुए हैं, भगवान ये तो मुनिंदर नहीं भगवान समझो। इस तरह चर्चा करते करते वो मस्त हो जाते। उधर से कोई उनका किसी का गिलास, किसी का लोटा, किसी की थाली, किसी का बेला बह जाता, उनको ध्यान नहीं रहता, किसी के कपड़ा, किसी का तौलिया, किसी की धोती वो बह जाती, और वो बेचारे मांझ मूंझ कर जो इकट्ठे करके लिया कर रख देते, उठा लो अपने अपने। अब किसी की थाली नहीं, किसी का बेला नहीं, किसी का गिलास नहीं, तो कहते भी हमारा ये नहीं मिला, हमारा ये नहीं मिला। तो कहते जी हम तो जितने ले गए थे उतने ले आए। तो और दूसरे जो भगत जाते थे सेवादार बर्तन साफ करने के लिए, वो बताया करते थे कि ये ध्यान नहीं देते, ये बैठ के गप्पे मारने लग जाते हैं और वो बह जाते हैं, इनको ध्यान नहीं रहता। तो उन्होंने आखिर में ये शिकायत परमात्मा तक पहुंचा दी कि जी आप अपने जो दो भक्त हैं, ये इनको हमने मना भी कर लिया कि आप सेवा रहने दो, कि सेवा ना करो, हमारे तो गिलास कहाँ से लाए इतनी दूर जंगल से गांव में जा करके, हम तो दुखी हो जाते हैं, हमने यहाँ दो चार दिन रुकना है, सत्संग है, और ये मानते नहीं, रोने लग जाते हैं, कहते हैं आगे ठीक रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और परमात्मा जी फिर भी ऐसे ही करते हैं। आप इनसे कहो कि ये हमारी सेवा ना करें, कोई और कर लेगा। उनको ये चिंता होगी कि गुरुजी के पास मेरी कंप्लेंट चलेगी हमारी, और कहीं हमें फिर वो आपत्ति ना आ जाए, गुरुजी रुष्ट हो जाएं, चरणों में पड़ गए, बुरी तरह रोने लग गए, कहा भगवान हमारी सेवा ना छीनना, हमारी सेवा ना छीनना दाता, हम बिल्कुल आगे से बिल्कुल ठीक करेंगे, वे बहुत ध्यान रखेंगे। तो भगत कहने लगे जी ऐसे ही कहते हैं, कई बार कह लिया ऐसे ही, अब जाते फिर वैसे ही फिर कर देते हैं। तो परमात्मा ने, वो तो जानी जान थे, कहा बेटा इनको आशीर्वाद दे देता हूँ, इनके हाथ से कोई कोई चीज़ भी नहीं डूबेगी, लोहे की भी नहीं डूबेगी, पत्थर भी नहीं डूबेंगे, और तुम निश्चिंत रहो और बेटा करो सेवा।
अब नल नील खुश हो गए और सावधानी बरतेंगे। अब उनने पानी का बेला भर के थाली और रख दिया दरिया पे, वो न्यूकानो बेला भरा हुआ पानी का और उसके ऊपर है जल के ऊपर रखा है, वो हाथ लादे नीचे जावे ना तो नहीं जावे। और दूसरे भक्त देखने लगे, रहे सचमुच ये तो गुरु जी का आशीर्वाद से इसके ये डूबता ही नहीं। उन्होंने दूसरों ने भी कोशिश कर ली पकड़ कर दो दो तीन तीन उस बेले को बाहर खींचने की, वो थाली को पानी की भरी हुई जो तैर रही थी उनसे हली नहीं। और वो हथलाओं जब बाहर आ जाए रखे वही सेट हो जाए, तो इस तरह कई बार पत्थर भी उठा कर उसमें रख कर देखे वो भी तैरने लग गए, रुक ये नो के नो वहीं पर, आधे डूब जाते थे आधे रह जाते थे ऊपर। तो इस तरह की उनके वरदान परमात्मा ने दे दिया हुआ समस्या समाधान करने के लिए कि ये सेवा भी नहीं छोड़ना चाहते, इनको सचमुच यह दिक्कत है ही, तो दोनों का बीच बिचाड़ा कर दिया। और ये फिर कहाँ जाकर बात बनी, अब उधर से समुद्र के ऊपर पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी श्री रामचंद्र जी ने, और समुद्र पर पुल बनाना कोई बालकों का खेल है। श्री रामचंद्र जी कहते 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा रहा, समुद्र से याचना करता रहा प्रार्थना करता रहा, मुझे रास्ता दे जल्दी, मुझे रास्ता दे सागर राज, मैं बहुत दुखी हूँ और ऐसे ऐसे मैंने अपनी पत्नी को छुड़वा के लाना। 3रे दिन जब उसने देखा कि समुद्र टस से मस नहीं हो रहा है, लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्नि बांध दे, इस समुद्र को फूंकता हूँ, ये रावण का संग पाकर अभिमानी हो गया है। अब उसने निकाल के तीर फूकना के लिए छोड़ना चाहा अग्निवाण, तभी समुद्र विपर रूप बनाकर बाहर आ गया और भगवान श्री राम से कहने लगा कि भगवान ऐसा अनर्थ ना करो, यदि आपने जल को फूक दिया मुझे फूक भी दिया तो ये गड्ढा बन जाएगा, आप फिर भी सफल नहीं हो सकोगे इसमें से जाने के लिए, और बहुत बड़ा संसार बसा हुआ जीव जंतु आपको पाप लगेगा, ऐसा काम करो कि लाठी भी ना टूटे और सर्प भी मर जा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि फिर ऐसा कौन सा उपाय है बताइए, आपकी सेना में ये नल नील और भी पहुंच गए वहां पर, फिर तो सारे जंगल में जितने रहा करते थे कुछ सब इकट्ठे हो गए, लाठी ले ले गए, ये भी वहां गए हुए थे उस सेना में, कि विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि आपके आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 ऐसे कारीगर भी हैं, वह शिल्पकार भी थे जैसे मकान बनाने वाले, 2 ऐसे सैनिक हैं आपकी सेना में, उनके हाथों में उनके गुरुदेव द्वारा दी गई ऐसी शक्ति है कि पत्थर भी तैर जाएंगे, कोई वस्तु नहीं डूबती, वो पत्थर रख कोई चीज रख दें वो तैरती रहती है, और चाहे उसके ऊपर कितना बलशाली व्यक्ति खड़ा हो जाए वो डूबती नहीं, ताकतवर वजनदार। तो श्री राम ने कहा भी नलनील को बुलाओ, नलनील आए, उनसे कहा कि भी एक ट्रायल दो अपनी, कोई पत्थर रख कर दिखाओ, आपके हाथों में करामात बताई है हमने और हमें जरूरत है यहाँ पुल बनाने की। नल और नील दोनों अभिमान में आ गए, ये महाराज जीव ने उसने सोचा कि यदि हम अपने गुरु जी को याद करेंगे, मंत्र जंतर करेंगे अपना मंगलाचरण, तो श्री रामचंद्र जी ने सोचेंगे ये तो कहीं भगवान की स्तुति करके इन्होंने शक्ति प्राप्त की है, यानी अभिमान आना था, ऐसे ही काम बिगड़ा करता है किसी प्रकार भी हो जा गड़बड़। उन दोनों ने उस दिन तुरंत पत्थर उठाए, अहम था उस दिन, उन्होंने वैसे तो पत्थर उठा कर रखे करते थे, कोई कुछ भी चीज़ रख देते, उस दिन उनके अंदर एक विशेष दोष था मन में, इसलिए फेल हो गए, पत्थर उठाए रखे दोनों के डूब गए। अब उनको तो कॉन्फिडेंस था कि अवश्य तैरेंगे, और लाइट आ गए फिर दूसरे भी डूब गए, फिर लाइट आ गए वह भी डूब गए। अब श्री रामचंद्र जी कहने लगे, समुद्र की तरफ देख रहे थे, ये सोच ये कहने मानो ये कहना चाहते हैं कि झूठ बोल रहे थे। उसी समय उस विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि नल नील तुमने अपना सतगुरु याद नहीं करे, उनको याद करो।
तो उनका बात याद आएगी। फिर उन्होंने परमात्मा को याद किया और वो तो आना ही था, क्योंकि श्री रामचंद्र भी दुखी, रावण का अंत आ लिया था, उसका उसकी टिकट भी कटवानी थी, और वहां आए क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के तो बच्चे हैं परमात्मा के। सुख संवेद में कहा कि राम कृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति हेत न हुए पियादे, उस परमात्मा के बच्चे हैं ये भी सहजादे हैं, हमसे अच्छी आत्माएं हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो परमात्मा अपने बच्चों के दुख को देखता है, श्री राम के दुख को देख कर वहाँ पहुँचना ही था और नहीं आते, क्योंकि नलनील का अगर से काम बन जाता तो उन्होंने आना ही नहीं था, उनको उनकी उन्होंने रजाई नहीं बख्शी थी, पर हम कर्म ही ने बिगाड़ देते अपनी सारी कहानी को। तब देखा कि सामने परमात्मा आ रहे हैं, एक मुनिंद्र ऋषि आ रहे हैं, कुदरती नजर पड़ी सैनिकों की, उन्होंने कहा कि ये ऋषि जी आ रहे हैं, कौन है? नलनील कहने लगे ये तो हमारे गुरुदेव आ गए, देखो हमारी पुकार सुन ली। और इतने में परमात्मा निकट आ गए, नल और नील ने चरणों में प्रणाम किया, श्री राम और लक्ष्मण और सभी ने हनुमान तक आके उनके चरणों में नमन किया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि रिसीवर आपके इन बच्चों के हाथों में आज वो शक्ति नहीं रही, मेरा दुर्भाग्य है, और मुझे आवश्यकता है कि समुद्र पर पुल बना के मैं लंका में जाऊं, रावण सीधी बातों से नहीं मान रहा, उसे युद्ध करना पड़ेगा और सीता को छुड़वाऊं, भगवान दया करो मुझ पर। जब आप अपने बच्चों को अपने शिष्यों को शक्ति दे सकते हो, मेरे पर भी दया करो, कोई वरदान दो, मुझे भी मेरा ये कठिन कार्य सुलभ करो। तो परमात्मा ने कहा कि अब इनके हाथों में यह शक्ति रहेगी भी नहीं, क्योंकि इनके अंदर अभिमान छा गया। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को रख यत्न बना और ठेस लगे ते अक्षीण होए तेरी ऐसे भक्ति जावे, जैसे किसी बहन को बेटी को गर्भ रहा हो, अब वही जानती है उस गर्भ की कीमत को, रात्रि के समय भी करवट लेते समय भी ये सोचती है भगवान कहीं मेरे बच्चे के दाब ना लग जा, रात को भी ऐसे चिंता से उठकर बैठती है कहीं करवट ना ले ली गई हो, ऊंचे नीचे में पैर रखते समय भी सोचती है, कोई वजन उठाती है तब भी ध्यान रखती है ताकि मेरा ये मेरा गर्भ रूपी लाल सफल हो और मेरे मुझे बच्चा प्राप्त हो। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे आपको जिस दिन से मंत्र प्राप्त हुआ है उस दिन से आपकी आत्मा के अंदर भक्ति रूपी ये लाल गर्भ प्रारंभ हो गया है, और इसको इतना सतर्क रहना पड़ेगा आपने, इसको ऐसे रखना पड़ेगा जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बना और ठेस लगे तो अक्षीण होए तेरी ऐसे भक्त नसावे। तो उन्होंने भक्ति नाश किया, गुरु जी की से आस्था हटी, अभिमान घर कर गया। अभिमान इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, अहंकार के अंदर जीव मार खाता है, और जीव का के अहंकार से आप प्रधानमंत्री बना हो चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, एक मिनट में अदरंग अदरंग पैरालिसिस हो जा, बाघ का मुंह हो जा, हाथ उठे नहीं, मक्खी मुंह में गबड़े और लकड़े खाक अभिमान इसका मट्टी का। तो हम हमारे को काल ना अज्ञान से इतना मूर्ख बना दिया कि हम इस मिट्टी का अभिमान कर लेते हैं, अपने को सुपीरियर मानने लग जाते हैं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी इस काल ने। तो पुण्यात्मा तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान फिर मेरे ऊपर तो बड़ी आपत्ति आई है, कुछ दया करो, एक पुल बन जाए इस पर समुद्र के ऊपर। तो परमेश्वर ने कहा कि आओ मेरे साथ साथ, हाथ में एक सोटी ले रखी थी डोगा, जैसे आजकल बूढ़े रखा करें सोटी, वैसे भी रखते हैं जैसे कोई कुत्ते बिल्ली से बाहर जाते हैं तो रख लेते थे, वो एक सोटी थी, डंडा था, उसके साथ ऐसे लाइन खींच दी रेखा एक बहुत बड़े पहाड़ के चारों तरफ गए, और कहा कि इस रेखा के अंदर अंदर के पत्थर उठा लीजिए, ये सब हल्के कर दिए हैं, इससे अपना पुल बनाओ बन जाएगा।
अब वो पत्थर उठाए गए, उनकी ट्रायल ली गई, बिल्कुल आसानी से ऊपर तैर जाते हैं। अब नरलील दोनों शिल्पकार भी थे, उन्होंने उनको काट तराश के एक दूसरे में फंसा के भी ऐसे एडजस्ट कर किए, उन्होंने इतना योगदान उनका फिर भी रहा। लेकिन वो परमात्मा कबीर जी की कृपा से मुनिंद्र रूप में आए, भगवान की दया से समुद्र पर वो पुल बनाने में श्री रामचंद्र जी सफल हुए थे। जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा, जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, जो करने वाला उसका कितना जिक्र भी नहीं हमारे हम करते। तो पुण्यात्माओं, इस प्रश्नों के उत्तर सुनकर वो भक्त इतना प्रभावित हुआ, जी बात तो आपकी सारी नई नई लगे हैं, पर हृदय में जगह बनावे और कुछ कुछ मुझे आपकी बात में दम लगा। अब पुण्यात्मा हो, प्रथम बार ये पुराना पेंट इतना जबरदस्त हो रहा आपके हृदय में, पुराना ज्ञान अज्ञान, अब पुराना पेंट कहीं हो रहा और नए पेंट ने के जल्दी सी टकने दे। लेकिन दास के पास वो रेग मार है, कति खुर्च दूंगा और ऐसा कर दूंगा कद्दे भी ना उतर आजीवन। परमात्मा कहते नोमन सूत उलझिया ऋषि रहे झक मार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। इस अध्यात्म मार्ग को परमात्मा कबीर जी की दया से, गुरुदेव जी की रजा से ऐसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उलझ सकता, को उलझाना चाहोगा तो भी नहीं उलझेगा, ऐसा बखन बना के दर दिया ताक अपने आत्मा। ये त्रेता युग में परमात्मा की कथा आपको सुनाई, द्वापर युग में परमेश्वर आए और करुणा में नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बाल्मीक था, भिक्खु नाम का बाल्मीक, और उसकी पत्नी थी गोदावरी, और वो निसंतान थे। उनको परमात्मा ऐसे ही कमल के फूल पर मिले थे, शिशु रूप धार करके उनके घर पे प्रवेश होने से वो बाल्मीक कहलाए। अब ये जाति तो हमने अपने अपने हमने बना रखी, भगवान के लिए सब जीव बराबर हैं, एक जैसे हैं। वो तो दृढ़ भक्त अच्छी आत्मा चाहे किसी मजहब जाति धर्म में हो, वहीं पहुंच जाते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि सारे उसके बच्चे हैं। एक ब्राह्मण था गंगेश्वर, और उसका पुत्र था गणेश, और एक सुदर्शन भक्त था बाल्मीक जाति में। वो परमात्मा का भक्त बना जब करुणा में नाम से आए हुए थे, सुदर्शन नाम का एक भक्त, और उधर से वो गणेश नाम का ब्राह्मण का लड़का था, वो भी कबीर परमेश्वर का शिष्य हुआ। और द्वापर युग में ब्राह्मण की कीमत बहुत ज्यादा होती थी, तो गंगेश्वर नाम का जो ब्राह्मण था वो इस बात से घना दुखी था, इस बात से घना दुखी था कि मेरा बेटा ब्राह्मण का लड़का एक बाल्मीक का चेला बन गया, मेरी तो इज्जत का नाश कर दिया इसने। उसने परमात्मा को भी बहुत भला बुरा कहा, अपने पुत्र को भी बहुत घना प्रताड़ित किया, फिर वो बच्चा मान्या नहीं, वो उनका एक परम भक्त बना। और उधर से जो सब जो सुदर्शन नाम का बाल्मीक जाति में जन्म था जिस बच्चे का, वो भी उसने परमात्मा का ज्ञान समझा और स्वीकार किया, और उसके माता पिता, सुदर्शन के माता पिता बहुत विरोध किया करते थे, वो श्री विष्णु जी के पुजारी थे, और परमात्मा के उस ज्ञान को उन्होंने नहीं माना, लेकिन सुदर्शन जी ने बहुत अच्छे तरह से समझा
एक दिन क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की और कहा, भगवान मुझे वो लोक दिखा दो जहाँ जिसकी आप चर्चा किया करते हो। परमात्मा बोले, बेटा जो मैं बता रहा हूँ उसे विश्वास कर ले भाई, गुरु के वचन पर विश्वास करना चाहिए। अक अच्छा जी, जैसे आपकी इच्छा। लेकिन वो जान गए कि इसके हृदय में जो वस्तु है, इसके डिमांड है, वह पूरी ना होगी तो यू नहीं मानेगा। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। एक दिन परमात्मा बैठे थे कि चल तुझे सतलोक दिखाऊं, अक जी ले चलो। उनको सतलोक ले गए, एक रूप में वही बैठे हैं, वो उनकी आत्मा को लेकर सतलोक ले गए। 3 दिन और 3 रात तक वो लड़का बेहोश पड़ा रहा, सुदर्शन। अब उधर से उसके माता पिता को पता चला कि ऐसे ऐसे वो करुणा में, करुण करुण कहा करते परमात्मा का, करुण ने पता नहीं क्या जंतर मंतर कर दिया और मेरे बच्चे को बेहोश कर दिया। अब परमात्मा की माता पिता के पास भी जाकर उलाने देन गई वो उसकी माता सुदर्शन की, कि तेरे बेटे ने मेरा बेटा मार दिया, इसने पता नहीं कि जंतर मंतर कर दिया। कबीर साहब को उसकी माँ समझाने लगी, करुणा में करुण जी को, करुणा में जी का, कहने लगी बेटा तने के कर दिया, उसके लड़के का इकलौता पुत्र था। अब उसका भी नहीं पता था इस बात का, वो भी आ गई वहां शोक व्यक्त करने के लिए। और भी इधर उधर के लोग इकट्ठे हो गए, डॉक्टरों को दिखाई, झाड़ फूक करवाने लग गए, कुछ नहीं हुआ। तो तीसरे दिन परमात्मा उसको लेकर वापस आए, उठते ही कहता है सारे इकट्ठे हो रहे रिश्तेदार तक, वो करुण कहाँ है, करुण कहाँ है, भगवान वो तो भगवान है, वो तो परमात्मा है, करुण कहाँ है। उठकर चल पड़ा, परमात्मा के घर पहुंच गया। अब घर वालों को तो खुशी हुई कि चलो हमारा बालक जीवित हो गया, कुछ भी कहता रहो। अब उस दिन के बाद उस सुदर्शन जी का ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया कि ये भगवान उतरे हैं, ये एक आम वाल्मीकि नहीं है, व्यक्ति नहीं है। तो कहने का तात्पर्य दास का है कि पुण्यात्माओं, जैसे महाभारत के युद्ध के समय श्री श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल ने गीता का ज्ञान दिया और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर आपने बहुत पढ़ा हुआ है कि श्री यानी काल भगवान ने कहा कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तू तो निमित्त निमित्त मात्र है, ये सब मैंने मार रखे हैं। और फिर ये भी कहा कि यदि तू युद्ध में मारा गया सो स्वर्ग प्राप्ति होगी और यदि युद्ध में जीत गया तेरे पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। महाभारत का युद्ध जैसे तैसे काल ने डरा धमका कर अर्जुन तैयार कर लिया और महाभारत का युद्ध हो गया। उसके बाद युधिष्ठिर जी को पांडव का जो बड़ा बड़ा था पांडव, उसको राजगद्दी पर बैठा दिया। उसमें करोड़ों बहनें विधवा होगी, कई करोड़ अनाथ बालक होंगे, उनके बच्चे बेटा बेटे, 18 करोड़ व्यक्ति सैनिक मारे गए, तो उनकी कितनी पत्नियां विधवा हुई होंगी और कितने बच्चे अनाथ हुए। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठ गया। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं, मन तू पावे गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे, अपना कर्म का भोग तुझे भोगना पड़ेगा जब तक परम संत की शरण में नहीं आएगा। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना ये तीनू तापम। तुम कौन भगवान का जाप जपते हो, नाम जपते हो, जिससे तुम्हारे ये 3 ताप भी नाश नहीं हो रहे। 3 ताप के अंतर्गत कौन से आते हैं, जैसे कोई किसी पर जंतर मंतर कर देता है, कोई किसी को श्राप दे देता है, कोई किसी के घर प्रेत छोड़ देता है,
कोई प्रेत आत्मा बाधा करती है, प्रेत बाधाएं हो जाती हैं, ये तीन ताप होते हैं। कहते इन तीन तापों को भी तुम्हारे भगवान नाश नहीं कर सकते। अपने आत्मा उदाहरण देते हैं, कुछ दिनों के बाद, कुछ ही वर्षों के वर्ष के अंदर अंदर ही युधिष्ठिर जी को बहुत बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। ऐसा लग रहा जैसे उसके घर में सिर कटे हुए व्यक्ति और धड़ धड़ आ रही है, हाहाकार मची हुई है, बहनें चूड़ियां फोड़ रही हैं, विधवा हो गई है, अनाथ बच्चे अपनी माताओं के लिपट कर रो रहे हैं, हमारा पिता कहाँ है, हमारा पिता कहाँ, वो कुछ जवाब नहीं दे पा रही है, एकदम भयभीत होकर घबरा कर बैठ जाता है। द्रौपदी ने एक दिन देखा, दो दिन देखा, चार दिन देखा, उनसे प्रार्थना की आप सो जाओ, वो एक बार लेट जाते तुरंत फिर बैठ जाता, आंखें फटी फटी रहती, राजकाज में कोई रुचि रही नहीं। द्रौपदी ने उन चारों पांडवों से कहा कि आपके भैया के ऊपर कोई आपत्ति है, कोई राज की समस्या है, तुम पूछिएगा। उन चारों ने प्रार्थना की कि भैया आपको कोई ऐसी समस्या है तो हमें भी साथ लो। कहते हैं अपने मन का दुख बताने से बट जाता है, कुछ बताओ क्या कहानी है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बताया कि मुझे ऐसे ऐसे भयंकर स्वप्न आते हैं। अब श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे, जिसमें महाभारत का युद्ध कराया उस समय इसके अंदर काल प्रवेश था और वो अपना करवा के नाश निकल गया। इसने कहा कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कि मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। विष्णु पुराण के अंदर दो ऐसी कथाएं हैं कि एक समय असुरों का और सुरों का, देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया, तो असुर देवता भाग्य राक्षसों से डर के बहुत जंगल में जाकर कि जो समुद्र के किनारे बैठ के तपस्या की, भगवान विष्णु की युकाल आ गया विष्णु रूप में और कहा ठीक है तो आप ऐसे करो, एक पुरंजय नाम का क्षत्रिय राजा है उसको तैयार करो तुम युद्ध के लिए, और मैं, इसने कहा मैं उसमें प्रवेश करके और सब राक्षसों का नाश कर दूंगा, तुम उन राक्षसों को ललकारो जाकर युद्ध के लिए और पुरंजय को प्रसन्न करो, आपके साथ खड़ा खड़ा हो जाए वहां पर, उसके अंदर मैं प्रवेश करके उनको मार डालूंगा। अब देखिएगा यह है श्री विष्णु पुराण, यह है श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? इसके संपादक हैं मुनीलाल गुप्त, अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 233 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको, ये है चतुर्थ अंश और 233 पृष्ठ पे चतुर्थ अंश के अध्याय नंबर 2 के हम यहां आ जाते हैं। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ, उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए, हार के देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा आप लोगों का जो कुछ भी अभीष्ट है वह मैंने जान लिया है, तुम जो चाहते हो उसके विषय में यह बात सुनिए, राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा, अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब इसका क्या अर्थ है कि देवताओं ने पुरंजय को ससाद के पुत्र, पुरंजय को तैयार कर लिया, उसमें काल प्रवेश कर गया और उसने राक्षसों को मार डाला, भगा दिया, देवताओं की विजय करा दी। अब और दिखाता हूं, एक बार नाग कुल के व्यक्तियों को और गंधर्व
कुल के व्यक्तियों ने लूट लिया, उनको मार पीट कर भगा दिया, उनके उनका खजाने लूट लिए, तो फिर वो नाग कुल के व्यक्ति करने लगे प्रार्थना भगवान की, वहां पर भी ये प्रकट हो गया और उनसे कहा, इस काल ने विष्णु रूप धारण करके आ गया यू, और कहा कि तुम पुरुकुत्स नामक अक्षत्री को अपने साथ मिलाओ, उसके अंदर प्रवेश करके मैं गंधर्वों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही किया, देखिएगा देखिएगा ये चतुर्थ अंश और तीसरा अध्याय श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ पे, यहाँ देखिएगा तीसरा अध्याय, यहाँ से पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उनके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन दलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नाग गणों ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युनासव के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर प्रेत की तरफ प्रवेश करके मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। तो इसके कर्म इस प्रकार अलौकिक हैं, ऐसे ही इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दिया, और बाद में श्री कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने गीता जी में बोलिया क्या था। तो पुनात्माओं, ऐसे ये जुल्म करता है और उसका पाप और पुण्य जीव के सिर पे रख देता है। अब जो दास प्रसंग पर सुना रहा आपको कि उन सब ने कहा, सोचा कि भी हम अपने गुरुजी के पास चले, क्योंकि श्री कृष्ण जी उनके धार्मिक गुरु थे और गीता का ज्ञान देते समय ये काल इनमें प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में सारा ज्ञान कह गया और उनको लड़ा के मार दिया आपस में। जब तक महाभारत का सर्वनाश नहीं हो लिया तब तक श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश रहा, उसके निकलते ही श्री कृष्ण जी थे। महाभारत में एक प्रमाण आता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित द्वितीय खंड महाभारत के अंदर 667 पृष्ठ पे है कि अर्जुन ने फिर बाद में जब श्री कृष्ण जी से कहा कि आप यहाँ से जाने वाले हो और हम विजयी हो चुके हैं, राज प्राप्त हो गया है, आप कुछ सत्संग करके जाना और उस सत्संग में वो ज्ञान सुनाना जो आपने महाभारत के समय गीता का ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन तुम बड़ा श्रद्धाहीन है, बड़ा बुद्धिहीन है, तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। अर्जुन कहता मैं भूल गया उस ज्ञान को, तूने उसको ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा, तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तू बड़ा बुद्धिहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, अब मैं उस ज्ञान को ज्यों का त्यों नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उस समय मैंने योग युक्त होकर वो ज्ञान बोला था। ये तो फिर वो बाद में तुक्के लावा था श्री कृष्ण जी, जैसे एक प्रेत किसी में बढ़ के बोल देता है, बाद में उस आत्मा को पता नहीं मैंने क्या बोला था, और ही बताते हैं आपने ऐसे बोला था ऐसे कहा था, तो बाद में फिर वो कहने लग जाता है कि मैं ऐसे बोला, उसको पता कुछ नहीं होता। अब जब श्री कृष्ण जी कहते मुझे तो याद नहीं, मैं उसको दोहरा नहीं सकता ज्यों का त्यों, और तूने क्यों नहीं याद रखा बुद्धिहीन। पुण्यात्मा दास ये सत्संग कर रहा है, और आप कोई प्रथम बार सत्संग सुनने आया है तो 20% याद रहेगा आपके, और वो भी कुछ दिनों के बाद, और मुझसे कभी सुन लेना तभी सुना दूंगा यदि मैंने अपने होश आवास में बोल रखा है। और जब ये कहना कि मैं योग युक्त होकर ये बोला था ज्ञान, जब तक युद्ध का आमने सामने सैनिक खड़े हुए कलेजा इलजे आदमी का, वहां योग युक्त हो गए तो अब पीस ऑफ माइंड था, तब योग युक्त होने में क्या बिजली गिरे थी उसके, तो नहीं श्री कृष्ण जी ने वो ज्ञान नहीं बोला था। तो इस प्रकार ये काल ऐसे कर्म करता है। तो जब श्री कृष्ण जी के पास वो पहुंचे पांडव, तब श्री कृष्ण जी थे, वो काल नहीं था उसमें।
तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो महाभारत के युद्ध में बंधुघात किया है, भाई मारे, चाचे ताऊ मार दिए, गुरु जी मार दिए द्रोणाचार्य जैसे, और करोड़ों बहन विधवा होगी, वो पाप दुखी कर रहा है युधिष्ठिर को, क्योंकि जो राजपद पर बैठा उसको प्रथम लपेटेगा। तो फिर पांडवों ने कहा कि भगवान इसका समाधान भी बताओ, आपत्ति तो आ गई है, ये तीन ताप के अंतर्गत आता है कि वो आत्माएं सता रही है इसको, प्रेत आत्माएं सता रही है। श्री कृष्ण जी से फिर उन्होंने पूछा इसका समाधान बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप एक अश्वमेघ यज्ञ करो और उसमें पृथ्वी के सभी, क्योंकि उस समय सभी भक्त होते थे, भक्ति अवश्य करते थे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, चाहे किसी जाति मजहब धर्म का क्यों ना हो, जैसा भी, क्योंकि वैसे पुण्यकर्मी प्राणी जन्मते हैं त्रेता द्वापर सतयुग में, कलयुग में आकर के बिजली गिरती है ये। और कहा कि स्वर्ग लोक के देवताओं को भी आमंत्रित करो, इन सब को बुलाकर और धर्म यज्ञ करोगे तब तुम्हारा समाधान होगा। और एक यज्ञ, इस यज्ञ के अंदर सभी महापुरुषों को खाना खिलाओ, स्वर्ग लोक के देवताओं तक, ऋषियों को, महापुरुषों को, संतों को, भक्तों को, रिश्तेदारों को, बहनों को, सबको बुलाओ। और फिर उसका एक लक्षण होगा यज्ञ सफलता का, यज्ञ की सफलता का एक चिन्ह बताया कि एक सुसज्जित स्टेज बना के, अलग से एक स्थान बना करके, एक मेज और उसके ऊपर एक पांच मुख का शंख रखा जाएगा, और जब सभी भोजन कर लेंगे, अतिथि और संत महात्मा, साधु संत, देव ऋषि, उसके बाद यदि यज्ञ आपकी सफल होगी तो वो शंख अपने आप आवाज करेगा बगैर मुख लगाए, और यदि शंख नहीं बजा तो समझ लेना आपकी यज्ञ संपूर्ण हुई नहीं, आपका दुख निवारण नहीं होगा। अपुण्य आत्माओं, अर्जुन तो भुगत भोगी था, गीता का ज्ञान कानों से सुन रहा था, और नैया बात तो उसके याद थी कि तुमने कोई पाप नहीं लगेगा, इस बात पर तड़ रहा था, वो सोचा था किसी तरह टल जा बोला, उस युद्ध करना चाहे नहीं था, यहाँ तक कह दिया था कि हम भिक्षा का अन्न मांग कर खा लेंगे पर हम ये जुल्म नहीं करेंगे, लेकिन फिर इसी दुख से तो दुखी था कि पाप लगेंगे, और पाप का समाधान उसमें सबसे पहले कर दिया कि तुझे पाप नहीं लगेंगे, मन न मार रखे तो युद्ध कर ले। अब जब उसने ये सुना कि तुम्हारे को वो पाप दुखी कर रहे हैं जो तुमने महाभारत में हत्याएं की है, अब अर्जुन के मन में वह बात घनी खटक गई, लेकिन उसको अंदर ही समा गया, अंदर ही वो घूंट पी गया अपने, कि यदि मैं आज चर्चा कर दूंगा भगवान श्री कृष्ण से कि आप जी जब गीता ज्ञान सुना रहे थे तब तो ये कह रहे थे, अब ये पाप कहाँ से आ गया हमारे ऊपर, तो मेरा भाई जो है ऐसे स्वभाव का है, ये ना सोच बैठे कि मेरे इस समाधान में, संकट निवारण में करोड़ों रुपये लगेंगे, क्योंकि 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, और ना जाने कितने आम जनता व भोजन करने के लिए आमंत्रित करनी थी, और उनके भोजन में कितना खर्च होना था, बहुत गना। तो अर्जुन ने सोचा कि भाई ये ना सोच बैठे कि अर्जुन मेरा समाधान नहीं चाहता है, और इस खर्चे ते डर के भगवान के कृष्ण जी के साथ वाद विवाद इसलिए कर रहा है, और ये ऐसे स्वभाव का व्यक्ति है, जब इसके मन में ये आगी बात युधिष्ठिर के, ये कब मर जाएगा पर समाधान नहीं कराएगा। अर्जुन ने इस बात को समझ कर अपने अंदर व सबर की घूंट पी और चुप रहा। श्री कृष्ण जी से कहा कि आप तिथि और स्थान निहित कर दो, हम अपना निमंत्रण देने जाएं। ऐसे ही हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी ने तिथि और स्थान निर्धारित कर दिया, उसके लिए सभी की सेवा लगाएगी, आप इधर निमंत्रण दे के आइए, आप इधर जाइए, इधर काशी शहर की तरफ
भीमसेन का नंबर था, उसकी ड्यूटी सेवा थी निमंत्रण देने की। और काशी शहर के बाहर साइड में ही परमात्मा का वो प्यारी आत्मा सुदर्शन रहा करता कुटिया में, और वहीं साथ में ही परमात्मा का दूसरे थोड़ी सी दूरी पर उनका अपना घर झोंपड़ी थी। तो ऐसे निमंत्रण देते देते भीम पहुंच गया उस सुदर्शन जी की कुटिया में। सुदर्शन जी काफी प्रसिद्ध हो रहे थे उस समय संत साधु के रूप में, आसपास भी अच्छे आत्मा है भगत है। तो सुदर्शन जी से कहा कि महाराज, मैं राजा युधिष्ठिर का भाई भीम हूं और हमने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है, धर्म यज्ञ, आप आइएगा, आपको निमंत्रण देने आया हूं। तो सुदर्शन जी ने को पता ही था क्योंकि वो ज्ञान से परिचित था। उसने कहा कि भीमसेन, तुम्हारे घर पे जो खाना खाएगा उसका भी सर्वनाश हो जाएगा, तुम इतने अपराधी व्यक्ति हो, तुमने अपनी सुख के लिए करोड़ों बहनों को विधवा कर दिया और करोड़ों बच्चों को अनाथ कर दिया, और आज तुम सुख की इंतजार करते हो, तुम्हें सुख सपने में भी नहीं हो सकता, ऐसा जुल्म कर रखा है, तुम महा अपराधी हो। अपना आत्मा भगत तो वही होता जो साची को है, और मुझे बुलाना है तो मुझे जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो, ऐसी 100 यज्ञ कभी कर रखी हो, उन 100 यज्ञ का संकल्प मुझे दे दो, वो पुण्य दो मुझे, तब तुम्हारे घर जाकर मैं रोटी खा सकता हूं, इतना पाप लगा मुझे। अब भीमसेन कहने लगे, वो पहलवान था, कहने लगे भगत, बाबा जी तूने आना हो तो आना और ज्यादा बकवाद ना करे, युद्ध ऐसे नहीं जीता हमने, हमने एक के मारू था 4 पड़े थे, गदा के सामने को टिकने वाला नहीं था, और मुझे अपने भाई से डर लगता ना, तेरी अभी टीटवी दबा देता मैं, ऐसे अपशब्द बोल रहा, कुबोल तू। अब भगत जी शांत हो गए, अकी बोलूंगा जी पीट भी देगा पहलवान। सुदर्शन जी चुप हो गए, नीची गर्दन कर ली, भाई भी वो राजा है, राजा है, क्या के कर देगा, कहनी थी वह कह दी। आ गया भीम, ना ये ना आना होता के तेरे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगी, हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण भी तो हैं, वो श्री कृष्ण जी ने सोपरी मान रहे थे। अब क्या हुआ कि उस यज्ञ का निश्चित समय आ गया और सभी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव श्री कृष्ण जी के वंशज द्वारका से चलकर आ गए, और ना जाने कितने भक्त, आसपास के जन साधारण आ गए, भोजन अब भंडारा शुरू हो गया, सब ने भोजन खा लिया और शंख टस से मस नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान अब क्या रहा, होगी हमारी यज्ञ पूर्ण के नहीं, ये शंख तो बजा ही नहीं, शंख के बजे बिना यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकती। तब उसने कहा कि भगवान आपने भी भोजन खा लिया और ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 4 यज्ञों के कंठस्थ याद करने वाले, इन्होंने भोजन खा लिया और फिर भी शंख नहीं बजा, भगवान हमारे पाप ज्यादा है, किसी का दोष नहीं, हमने बहुत जुल्म कर रखा है, सचमुच ये शीघ्र सी खत्म होने वाले नहीं है। तो उधर से क्या हुआ, श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर इस शंख को बजाने वाला नहीं आया। श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान ऐसे ऐसे महापुरुष यहां बैठे हैं, स्वर्ग लोग के देवता भी आगे हैं, और आप जी ने भोजन कर लिया, अब कौन है ऐसा महापुरुष आपसे बढ़कर। श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक सुपच नाम का, सुदर्शन नाम का एक सुपच है, बाल्मीक है, बाल्मीक जाति में जन्मे थे, नाम सुदर्शन था, जैसे आजकल हरिजन कह देते हैं,
शेड्यूल कास्ट कह देते हैं, उसे सुपच कहा करते थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? लाल सिंह जी। लाल सिंह जी कहाँ से आए आप? मोड़ मंडी जिला बठिंडा जी, पंजाब से जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? घर पे देवी देवताओं की भक्ति करते थे जी। जैसे हमारे पंजाब में चल रही है मलेरकोटला वाला, लाला वाला, काली माता जी, इनके घर पे झाड़ फूस का काम करता था जी मैं सबसे भाई। मेरे इलाके पे जी मेरे से बड़ा कोई तांत्रिक विद्या में जानता नहीं था जी, मैं नहीं जानता मेरे से बड़ा कोई होगा जी। मैं ये तांत्रिक विद्या काम करता था। दिल्ली से चले लोग मेरे पास आया करते थे जी, मुर्दे को जिंदा कर देता था जी, ये मैं काम करा करता था जी। सर आप बता रहे हैं कि आप अपने एरिया के सबसे बड़े तांत्रिक रहे हैं, मुर्दे तक को आप जिंदा कर देते थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? वो ऐसे हुई जी, मेरी पत्नी की डेथ हुई घर पे जी, कोई ऐसी स्थिति आई, मृत्यु सैया पे भाग गई जी, सारे रिश्तेदार आ गए सी जी, तो सारे रिश्तेदार बोलने लगे इसको तू जीवित करेगा, लोगों को बड़े बड़े काम करता है। मैं भी सोचा हाँ, मैंने सारा झाड़ फूस कर लिया, सारा कुछ करके देख लिया, कोई विद्या कोई काम नहीं करी। फिर मैंने यहाँ काली माता के यहाँ चाकू मारा जी कि माता उसको जीवित करते। उसने संकेत किया कि मैं लात बाँ तोड़ सकती हूँ, थोड़ा बहुत लाभ दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती गी। फिर मैं क्या करूँ, मेरे को उपाय दस के जा। तू बोलती है इस पृथ्वी पे पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनसे जाके नाम दीक्षा ले, फिर तेरा कल्याण होगा। मेरे पास बच्चा कुछ नहीं है। फिर मैंने क्या किया जी, रिश्तेदारों के पास फोन किया, किसी भक्त ने मेरे को फोन किया, मैं बोला जी रामपाल के बारे में मैं जानता चाहता हूँ तो कैसे करूँ। वो मेरी बहन लगती बठिंडा से, उसने कहा कि ऐसे करके ना ये सही हो जाएगी, तू संकल्प कर ले कि परमात्मा मैं तेरी शरण में आ जाऊँगा, ये सही हो जाएगी। मैंने उसी टाइम संपर्क किया, हे परमात्मा बंदी शोर सतगुरु रामपाल जी, मैं आपका नाम ले लूँगा, ये जिंदा हो जाए, क्यों मेरे को पहले बता रखा था कि तेरे दो शादियाँ होएगी, एक शादी पे तीन बच्चे होके जे मर जाएगी, इसकी 27 साल की उम्र रहेगी, वो मेरे को याद थी जी। तो उस दिन क्या हुआ जी, मैंने सारे झाड़ फूस कर लिए थे, नहीं सही हुआ है। फिर मैंने परमात्मा अग्गे अरदास की, बंदी छोड़ मैं नाम ले लूँगा, इसको जीवित कर दे। उस गाड़ी ही चहलाहट आई जी, हिलचल हुई जी, फिर सेट हुई, फिर मैं अस्पताल में लेके गया जी उसको, 12 दिन एडमिट रखा। वहाँ डॉक्टरों ने भी लिखा के ले लिया था कि जो तू मुर्दा है आप सहन कर दो इस पर। मैंने सहन कर दिए, मुर्दा है, बोला परमात्मा अग्गे अरदास लगा, मैंने बोला परमात्मा अग्गे तो मैंने लगा ली है। तो उसके बाद ही वहाँ से सेट हुई, फिर मैं परमात्मा का नाम लेके आया जी। परमात्मा किसका? संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके आया मैं बरवाड़ा में जाके जी, 2012 में नाम लिया मैंने जी। सर आपने बताया कि जब आपने काली माता के नाम पर अपने हाथ पे चाकू मारा और आपने कहा कि इसको जीवित कीजिए या फिर मेरे को रास्ता बताइए, और फिर काली माता ने रास्ता बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लो, इससे पहले आपको काली माता ने रास्ता क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहते साढ़े कोई रास्ता नहीं जी, असं थोड़ा बहुत लाभ दे सकते हैं, तेनू कोई सट्टे का नंबर दे सकते, वो भी मेरे को आते होर लाभ दे, लोग ठीक हो जाते। हूँ उम्र है ही नहीं गी, यदि उम्र तो पहला संत रामपाल वधा सकता, वो जाके चरण फड़ा, तू साडा खेड़ा छड़ दे तू। लेकिन आपकी इन बातों पर विश्वास कौन करेगा? वो ऐसे करे जी, मेरे सामने चमत्कार होया जी उसके, वो सारे कहते मुर्दे थले। नहीं आप अकेले थे क्या वहाँ पे? सारा परिवार था, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सस सहुरे सारे आ गए सी, मंजे ते पा रखी सी, चट्टा कपड़ा पा रखा सी। तुसी पिंड च जाके मेरे पुछ सकदे, मोड़ मंडी नवीं बस्ती पीरखाने कोले मेरा घर है, लाल सिंह मिस्त्री है मैं जी। तो क्या सभी आज भी उस घटना को जानते हैं? सारे जानते हैं। उस तो बाद जी जो मैं संकल्प करया परमात्मा मैं नाम ले लूंगा, कित भी बरवाला हो मैं आके भाल लूंगा। उस तो बाद फिर मैं जी एक भगत नाल गल करी जी, जिहड़े रामपाल दे नाम लै रखा सी, उन्होंने कहा भी इस तरह ए करके तुसी इत्थों जाके इस तरह सानू नाल लै जाके नाम दवा लियावांगे। फिर वो मैनू नाम दवा के लै जी, फिर मेरे घर की स्थिति ठीक हुई जी। तो उहदी उम्र 10 रखी सी तंत्रकां ने भी, इह 3 साल 3 बच्चों दे के 27 साल की मरूगी, अज 30-35 साल तो उत्ते उम्र हो रही है जी, वह जीवित है जी। क्या आपने पहले कभी किसी साधु संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? सर मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति से नाम ले रखा था, और उसने नाम ले रखा था, उसने मेरे को मंत्र दिए, उसने रामपाल जी महाराज की भगत चरा के ना मंत्र चरा के उसने मेरे को 8 साल तक गुमराह करके रखा। मैंने उसको कहा जिसने मेरे को, मैं उसको गुरु बना रखा था कि आप तो इतना कुछ जानते हो, अब इसको सही करो ना, अब ठीक करो इसको। बोला इससे मैं नहीं कुछ कर सकता, इसको तो रामपाल जी महाराज ठीक कर सकते हैं इसके बारे में। उसने फिर मेरे से माफ़ी मांगी, फिर मैं उसको आश्रम में लेके गया,
आश्रम में लेके वो जा नहीं रहा था, मैं बोला साथ चल फिर मेरे को लेके गया, तो फिर उसने मेरे को नाम दबाया, उसने वहाँ भी माफ़ी मांगी गुरु जी से कि मैंने इसको बच्चे को घबरा करके रखा, फिर मैं तो वहाँ से नाम लेके आया जी। सर आप खुद भी एक तांत्रिक थे, आपने जिससे नाम दीक्षा ली थी वो भी सिद्धियाँ करते थे, लोगों को ठीक करते थे, और काली माता ने भी आपको संकेत किया कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं, उनसे नाम दीक्षा ले लो, लेकिन आज वही पूर्ण संत जेल में है, क्या आज भी आपकी आस्था संत रामपाल जी महाराज में है? हाँ जी, उससे भी ज़्यादा जी। ये भी बात और बता देता हूँ भक्तजनों को, जो बंदा मेरे को लेके गया था वहाँ, उसने मेरे को पहले बता रखा था कि ये संत जेल धाम में जाएंगे, उसे मेरे पास है, मैंने 500 ज्ञान गंगा पहले ला के रख दी थी, हाँ मेरे मोड़ मंडी में चढ़ के गाड़ी गुरु जी की गाड़ी आ गई थी, मैंने रख लिया, मेरे को पता था कि ये काम आएगी, वो मैंने 500 ज्ञान गंगा रख ली थी, तो वो मेरे बाद में काम आई। उसके बाद उसने ये भी कहा था कि वो इसके बाद फिर मौका नहीं आएगा, उसके हमारी और भी श्रद्धा बढ़ गई उसके आने से कि गुरु जी वहाँ जेल धाम में चले गए, उससे बाद ज़्यादा हमारी और श्रद्धा बढ़ गई परमात्मा रामपाल जी महाराज के प्रति। मतलब आपको पहले ही पता चल गया था कि संत रामपाल जी महाराज जेल में जाएंगे? हाँ जी, उसने पहले बता दिया था, शर्त करी थी मेरे पास, अगर तेरे को लाभ ना मिले तो मेरे को मना कर, मेरी जीव काट देना, ये जाएंगे जेल धाम में जाएंगे तो तू पीछे नहीं हटना। मैं बोला 8 साल तुमने मेरे को कहा कि काली माता की घर पे नीचे बैठ के रोटी खा, मैं नीचे बैठ के खाई, मैंने पानी में खड़ के भी साधना की उसके साथ, पोह दे महीने में सियाल का महीना होंगे पोह, उसके बाद मैं नहर में खड़ के साधना की, मैं बोला अब क्या पीछे हटूंगा, मैं नहीं पीछे हटूंगा। उसके बाद फिर मेरे को और भी श्रद्धा बढ़ गई, जब मेरी जनानी वहां से आके जीवित हुई, सही होगी आज भी जाके पूछ सकते। उसके बाद फिर मेरा मकान गिर गया जी, 6 फुट डूंगा था, उसके बाद परमात्मा ऐसी दया करी वो मकान पवा दिया, उसके बाद बारिश पड़ गई सी 4 फुट डूंगी, बेड टूट गया, पखा सड़ गया, कूलर सड़ गया, टीवी सड़ गया, सारा कुछ ए टू जेड नवा आ रहा मेरे घर पे। अब परमात्मा ने इतना ऊंचा कर लिया, 27 फुट पे छत पे मेरी छत पड़ी है, उत्ते परमा संत रामपाल जी महाराज जी का पोस्टर लगा हुआ है, हमने पीछे हटे ना पीछे हटेंगे, क्योंकि हमको पहले पता था ये होना है, ये तो वो तो हो गया, अब हमको कोई डरने की लोड़ नहीं है जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले कोई नशा भी करते थे क्या? सर नशे की तो आपको मैं क्या बताऊं, इतना नशा करता था, बुक्की भी मेरे मैं खाता था जी, दारू भी पीता था, क्योंकि काली माता गद्दी थी कि एक मुर्गी काट ली, एक बोतल मंगवा ली, और चार चार मैं कैसुल करता था लीले, इतनी लत पड़ गई थी बहुत ज़्यादा। जो व्यक्ति मेरे को लेके गया था आश्रम में, उसने ये कहा था, मैं सुल्फा 1.5 तोला लेके गया था जब नाम लेने गया था, मैं बोला देख नाम ले लूँगा, ये नशा नहीं मैं छोड़ सकता, मेरे को पता नहीं था कि परमात्मा इतनी भी दया कर सकते हैंगे। मैं 1.5 तोला ले गया सुल्फे का, छत जाते जाते पीता गया जी, मैंने बाहर बस अड्डे में रख दिया, तो उसने ये कहा था इतनी तो बड़ी बोतल दिलवाऊंगा संत रामपाल जी, अंदर से आएगी कोई बात नहीं, ये तेरे का मैं सर्टिफिकेट बना दूंगा दारू का, और नशे का तू करते रहना भक्ति करते ना। जैसे मैं अंदर गया परमात्मा से नाम दीक्षा ली, सिर पे हाथ रखा, वो तो मेरे से पता ही नहीं चला कि कब मेरे लत छूट गई। 3 दिन में वहाँ परमात्मा की सत्संग हुई, 3 दिन में रह के गया, बाद में मेरे को लोड़ नहीं पड़ी, और जितना मेरा पोटा पड़ा था घर पे, लीले कैप्सूल और बुक्की और दारू और बंडल, वो जैसे मैंने नाम लेके आया, मैं बाहर आके ना उसको पीना तो दूर मैंने हाथ भी नहीं लगाया, मैं डंडे से बाहर करके ना मिट्टी का तेल पा के फूका उनको घर पे आके। सर अब आपको कितना समय हो गया नशा नहीं किया, आपने कितने साल से आपने नशा नहीं किया है? उसके आज मेरे को 8 साल हो चले हैं जी, मुड़ के लोड़ ही नहीं पई करे। क्या सच बोल रहे हैं आप? हाँ जी। क्या आपके गांव वालों से पूछ सकते हैं? मैं मोड़ मंडी के अंदर मेरे गांव में आके पीरखाना है, पीर बाबा का बहुत बड़ा, कोई भी आके भक्त पूछ सकता है, कोई भी जिसको शक हो तंत्रक विद्या करने वाले को, ये तो कुछ भी नहीं, जैसे मैं जानता था भक्त जी अपने इस धरती से सोना निकालना, ऐसे बंदे के साथ रहा, उसने धरती से भी सोना निकाल के दिया, मैं उस सुनार को बेच के भी आया, आज भी मेरे घर पे प्रूफ पड़ा है, मैं साथ में लाना भूल गया जल्दी में, वो भी आपको दिखा सकते हैं मेरे घर पे पड़ा, वो छड़ के और वो जो जिसके साथ मैं लगा था मेरा गुरु बना हुआ था पहले, मैं कहता उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है पृथ्वी पे, वो क्या करता था दारू की बोतल चाहिए मेरे को, भाई गुरु जी पैसे तो है नहीं गए, कहता फोटो के आगे हाथ कर, फोटो के आगे हाथ करता 100 का नोट ऊपर गिर जाता था, और मैं दारू लेके आता था इतने इतने में देख के, वो ही मेरे को लेके गया आदमी, वो कहाँ लेके गया? जिस व्यक्ति को मैं सबसे बड़ा गुरु मानता था जी, वो कह उसे माफ़ी मांगी, उसने कहा मैं उसको सब तो बड़ा गुरु मानता था, उसने कहा भी मेरे से बड़ा
परमात्मा आप आया बैठा, संत रामपाल जी है, उससे बड़ा कोई नहीं है। फिर मैं बोला तू मेरे को गुमराह करके रखा, उसी दिन बोल देता, बोला मेरी मजबूरी थी, फिर मेरे को वहां लेके गया। और एक बात और बताना चाहता भगत जी आपको, वो उसने नाम ले रखा था गुरु जी का, नाम लेके छोड़ के ना जो भक्ति बोध में अपने दिए हुए हैंगे उजागर सतपुरुष मेरे सुख के सागर, इसके जो बाणी थी ना परमात्मा की, उसने मेरे को मूढ़ी की कलामे बना बना दी थी। मेरे को नहीं पता था भी बाणी कौन सी काम कर रही हैगी। फिर उसने वहां जाके माफी मांगी, उसके मेरे को बना के रखे थे, उसने मंत्र बना के दे रखे थे। फिर मेरे को उसने सारी बात जाके आसन ने बताई कि मेरे को माफ कर दो भगत जी, मैं आपको ऐसे गुमराह करके रखा हूँ, ये परमात्मा आए हुए, इनके चरण नहीं छोड़ना। उसके बाद फिर मैंने पूछे मुड़ के नहीं देखा दुनिया से जी। क्या आज भी आप तांत्रिक का काम करते हैं? जैसे कि आपने बताया कि एक पीर बाबा की दरगाह है जहाँ पे आप रहते हैं। नहीं हूँ नहीं मैं काम करता हूँ, तो लोड़ ही नहीं पड़ती भगत, अब तो लोड़ ही नहीं पड़ी भगत जी उसके बाद ना करने की। क्यों? एक बंदा 10 कैप्सूल के देता है डॉक्टर, एक 10 कैप्सूल देता है कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, 10 कैप्सूल करो, और कोई एक ही कैप्सूल दे दे वो भी राम नाम का, फिर हमको 9 खाने की क्या लोड़ है भगत जी, 10 खाने की। क्या आज आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं? क्या आपका परिवार आज पूरी तरीके से ठीक है? जब से मैंने संत रामपाल जी से दीक्षा ली है ना, मेरा सारा कुछ सेट हो रहा है जी, घर भी बन गया, सब कुछ बन गया, अब भी सब कुछ सही चल रहा है जी। तो उसके बाद एक मैं अनुभव और बताना चाहता हूँ जी, मेरी लड़की है जी 22 साल की, तो वो बीमार हो गई जी, मेरे घर पे सिर्फ 1000 रुपये पड़े थे जी, 400 तो डॉक्टरों ने ले लिया जी, तो 600 रुपया बाकी रह गया जी। फिर मैंने संत रामपाल जी से अरदास करी, भक्तों ने कहा कि अरदास लगा गुरु जी से, डॉक्टर बोला चंडीगढ़ ले जा, मैं बोला मेरे पास तो 1000 रुपये, मैं चंडीगढ़ कहाँ से ले जाऊँगा उसको। तो अरदास लगाई कि ऐसे ऐसे करके जी, ऐसे ये बात है जी, तो मैं बोला भगत जी अगर मेरी लड़की मर गई ना तो उसको मैं यहाँ जला भी नहीं सकता, मेरी औकात नहीं कि हमारे रामबाग में 2200 रुपये की पर्ची काटते हैं, मैं गरीब कहाँ से दूंगा, और संस्कार भी आप यहीं कर देना, मैं आश्रम में लेके आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा तू घबरा नहीं, भगत जी गुरु जी से अरदास लगाते हैं संत रामपाल जी से, वो तेरे को अरदास बताएंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि परमात्मा में विश्वास रखो, भक्ति करो, जे सेट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, उसके बाद एक गोली की लोड़ बनी पड़ी भगत जी। सर भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ भगत जी, सर जी, कि ये तंत्र की विद्या में एक चक्कर में ना पड़े, जैसे जेड़ा मेरा गुरु बनाया हुआ, मेरा गुरु बना रखा था, मैं बोला उससे बड़ा और मेरे से बड़ा कोई गुरु नहीं था, इसमें कुछ नहीं रखा, मैंने सारे खेड़ने खेड़ के देख लिए है, सारे करके देख लिए है, इसमें कुछ नहीं रखा है। इसमें जो ये काम करते हैं ना झाड़ फूस का, सियाणा का पंजाबी में सियाणा का, जो बड़े बड़े बाबे बने फिरते हैं, कुछ भी नहीं ये तो परमात्मा की शरण चाहे संत रामपाली शरण जाओ, जो थोड़े नहीं कम बनते ना वो भी बनने गए थोड़े। उतो जाके मैं गया पर शरण च गया संत रामपाल जी, उत्थे उन्हें भी माफ़ी मंगी, तो मैं भी माफ़ी मंगी, हे परमात्मा मैं दुनिया नूं लुट्टूंगा, जो कुछ कर रहे हैं ना असीं ये आपदे बच्चों वास्ते कोड़ कट्ठा कर रहे हैं, ये समझ लो ये सारा पाप कमा रहे हैं। हुण परमा संत रामपाल जी कोले जाओ, वो तो नाम दीक्षा लो, तो आपका कल्याण करो, जिन्हें बच्चे चाहिए ने गए, नहीं ये पता नहीं काल के जाल च फसे हुए हैं, काल कुड़े च पुट मार ले, बस रोण तो बिना होर थोड़े कोल कुछ नहीं रह जाता। जिन्ने भी तंत्रक का काम करते हैं गे, सारियां नूं मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है भी इस काम नूं छड़ दिओ, ते तुसी आपदा संत रामपाल जी सरन च जाके उहदा ज्ञान सुनो। साधना चैनल ते 7:40 ते आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541, 8222880542, 8222880543, 8222880544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।